हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मापदंड पूरा करने पर 1242 स्कूलों में से 1104 निजी स्कूलों को संबद्धता प्रदान की गई है, जबकि 154 पेंडिंग केस वाले स्कूलों को पत्र बोर्ड द्वारा लिखे गए हैं, जिस पर संबंधित 154 स्कूलों ने बोर्ड चेयरमैन के पास अपील फाइल की है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं की नवीनीकरण संबद्धता कक्षा सत्रोन्नत एवं नई संबद्धता प्राप्त करने के लिए निजी शिक्षण से आवेदन मांगे गए थे। इसमें अवधि में विभिन्न प्रकार की संबद्धता के लिए 1242 स्कूलों में आवेदन किया है। फरवरी महीने से स्कूल शिक्षा बोर्ड ने निरीक्षण कार्य के लिए करीब 20 टीमों का गठन किया। उक्त टीमों ने निरीक्षण पूरा कर लिया है। इस रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड के पास 154 पेंडिंग केस हैं, जिनमें कुछ रिजेक्ट हुए हैं, कुछ में खामियां हैं, जिस कारण इन स्कूलों को पत्र लिखे गए थे तथा इन स्कूलों ने अपील फाइल भी कर दी है। एफिलिएशन के लिए अभी जब कोविड चला हुआ था तो हम कोई इंस्पेक्शन नहीं कर पाए, परिस्थितियाँ थोड़ी ठीक हुई तो फिर ऐसे पाठशालाएँ जिनका फिर निरीक्षण करना था, इंस्पेक्शन करना था कि वो सारे मापदंड पूरे करते हैं कि नहीं, उसके लिए विभिन्न जो थी टीमें हमने गठित की थी। 1242 स्कूल थे जिन्होंने एफिलिएशन के लिए अप्लाई किया था, कुछ ने अपडेशन के लिए भी अप्लाई किया था, तो 1104 ऐसे पाठशालाएं हैं जो कि सारे मापदंड पूरे करते हैं। इंस्पेक्शन करने के बाद ये देख लिया गया है तो उनको हमने एफिलिएशन दे दिया। लेकिन ये सारी एफिलिएशन जो होती है, खासकर प्राइवेट स्कूलों की, ये टेम्परेरी वर्ष के लिए होती है, अगले वर्ष फिर होती है जिसे हम देखें कि सारी के सारे मापदंड वो पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, अन्य मापदंड जो नया सरकार या बोर्ड लागू करता है उसको भी पूरा करते हैं कि नहीं, तो वो देखा जाता है। अभी हमारे पास 154 पेंडिंग केस हैं, कुछ रिजेक्टेड केस हैं, कुछ में खामियां हैं जो उनको पत्र लिखे गए हैं, तो ऐसे 154 स्कूलों ने अपील फाइल कर दी है जो कि चेयरमैन के पास आती है, तो उस अपील को देखेंगे। यदि वो मापदंड पूरा करते होंगे तो उनको एफिलिएशन दे देंगे दोबारा इंस्पेक्शन करने के बाद, अगर नहीं करते होंगे तो उनको नहीं देंगे।